बात बताइए, कूदन का जो गोलीकांड हुआ था उसको लोग मानते हैं कि साहब वो जिम्मेदार राव राजा थे, और कैप्टन वेब को लोग हीरो की तरह पेश करते हैं। राव राजा साहब के खिलाफ जाट किसानों को विद्रोही बनाने के लिए ये वहाँ कूदन के अंदर गोलीकांड किया था। अब आप बताइए कि राव राजा कल्याण सिंह जी वहाँ पर गए थे क्या? वहाँ कैप्टन वेब गया था। सीकर के आखिरी राव राजा कल्याण सिंह जी की 133वीं जयंती मनाई जा रही है। पिछली बार भी शहर के अंदर 3 जगह उनकी जयंतियाँ मनाई गई और जनता अपार भीड़ के अंदर उमड़ पड़ी थी। तो ऐसा क्या है राव राजा कल्याण सिंह जी के, उनकी ऐसी क्या शख्सियत थी या उनका ऐसा क्या व्यक्तित्व था कि आज भी 133वीं उनकी जयंती मनाई जा रही है और पूरे शहर के अंदर तैयारियां चल रही है? तो हम बात करते हैं यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार महावीर जी पुरोहित से, जिन्होंने राव राजा साहब को प्रत्यक्ष देखा है और इनके पास कई ऐसे संस्मरण हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, और हमें राव राजा साहब के बारे में बताइए। सीकर में 11 राजतंत्री शासक हुए हैं। सीकर की स्थापना हुई थी संवत 1744 सन 1687। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सीकर का जीवन जयपुर से 40 साल पुराना है। जयपुर की स्थापना सवाईजय सिंह जी ने 1727 में की थी और सीकर की 1687 में, तो 40 वर्ष का अंतर है। इस सीकर के अंदर 11 राजतंत्री शासक हुए हैं और 267 वर्ष तक 11 राजाओं ने शासन किया। सबसे पहले शासक थे राव दौलत सिंह और अंतिम शासक थे राव राजा कल्याण सिंह। राव राजा कल्याण सिंह लोकतंत्र और राजतंत्र इन दोनों के बीच में सुदृढ़ कड़ी थे। एक तरफ उन्होंने राजतंत्र शासन किया और दूसरी तरफ 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1950 के अंदर हमारा संविधान लागू हुआ, 1952 के अंदर चुनाव हुए। तो उन्होंने 1952 से लेकर 1967 तक पूर्णतया लोकतंत्रीय शासन देखा और अपने आप को उन्होंने लोकतंत्र में ढाल लिया। जैसे कल्याण सिंह जी नाम कल्याण से है, तो उन्होंने जन कल्याणकारी कार्यों की इतनी लंबी श्रृंखला बनाई है कि आज भी राव राजा कल्याण सिंह जी सीकर के अंदर अमर हो गए हैं, वो कभी मर नहीं सकते। क्योंकि हम जब भी जाते हैं सीकर शहर के अंदर, तो हमें दिखाई पड़ता है कल्याण हॉस्पिटल, हमें दिखाई पड़ता है कल्याण कॉलेज, हमें दिखाई पड़ता है कल्याण संस्कृत महाविद्यालय, हमें दिखते हैं कल्याण हायर सेकेंडरी स्कूल, कल्याण सर्किल, कल्याण मान मंदिर, कल्याण आरोग्य सदन, सब कुछ कल्याण ही कल्याण है। एक दूसरा आश्चर्य की बात और है कि राव राजा कल्याण सिंह जी ने ये सारे के सारे संस्थान अपने नाम से नहीं किए थे। आप कहेंगे कि ये कैसे हो रहा है? वो कल्याण जी, डिग्गी के कल्याण जी, जो भगवान का विष्णु का स्वरूप है, उसके अनन्य भक्त थे। तो उन्होंने जो कुछ भी किया श्री कल्याण शब्द से किया। यदि वो अपने नाम से करते तो जैसे जयपुर के अंदर महाराजा स्वाभिमान सिंह जी ने ऐसे हॉस्पिटल बनाया, उसका नाम है स्वाभिमान सिंह हॉस्पिटल, तो वो यहाँ कल्याण सिंह हॉस्पिटल बनाते हो, लेकिन उन्होंने कल्याण सिंह नहीं बनाया, उन्होंने श्री कल्याण ही बनाया। तो ये उनके सबसे बड़ी उदाहरण है। अब मैं राव राजा कल्याण सिंह जी के बारे में बताने से पहले मैं एक छोटा सा आपके सामने नक्शा प्रस्तुत करूँगा सीकर के राजतंत्र से रखूँगा। सीकर की जैसे मैंने कहा स्थापना संवत 1744 में हुई थी। राव दौलत सिंह सीकर के फाउंडर थे, उनका शासन था संवत 1744 से 1778 तक। उसके बाद में राव शिव सिंह, उनका शासन था 1785। उसके बाद समर्थ सिंह 1865 से 1811, फिर नार सिंह 1811 से 1813, फिर चांद सिंह 1813 से 1820, फिर देव सिंह 1820 से 1852, राव राजा लक्ष्मण सिंह 1852 से 1890, राव राजा राम प्रताप सिंह 1890 से 1907, राव राजा भैरव सिंह 1907 से 1923, राव राजा माधव सिंह 1923 से 1979। राव राजा माधव सिंह 10वें शासक थे और उनका शासन सर्वाधिक लंबा था, 56 वर्ष 4 महीने 27 दिन। उसके बाद में राव राजा कल्याण सिंह शासक बने। राव राजा कल्याण सिंह जी की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो ये है कि इनका उद्गम सरवड़ी से हुआ था। सरवड़ी के अंदर ठाकुर रघुनाथ सिंह जी थे, उनके श्याम सिंह जी और मेहताब सिंह जी लड़के थे, और एक थे किशन सिंह जी। तो किशन सिंह जी को भाई बंटवारे के अंदर दीपपुरा के 1500 गांव की जागीर दी थी। किशन सिंह जी के लड़के थे बिड़ सिंह जी, और बिड़ सिंह जी के बलाप सिंह जी, और कल्याण सिंह जी बलाप सिंह जी के लड़के थे। राव राजा माधव सिंह जी के और पुत्र नहीं था, उन्होंने कल्याण सिंह जी को अपने भतीजे को अडॉप्ट उन्होंने गोद लिया था। एक तरह से वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए थे, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए थे और बहुत ही छोटे जागीर क्षेत्र से। तो ये तो वो 550 गाँव और 500 के राजा बने। तो कल्याण सिंह जी को ने गरीबी देखी थी। कल्याण सिंह जी का ठिकाना कर्जदार था, उनको ये पता था कि गरीबों की क्या स्थिति होती है, किसानों की क्या स्थिति होती है। तो उन्होंने गद्दी पर बैठे हो 27 जून 1922 को राव राजा माधव सिंह की मृत्यु हुई थी और 9 जुलाई 1922 को राव राजा कल्याण सिंह जी सीकर के शासक बने थे। उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो राजतंत्र के अंदर लोगों से बेगार ली जाती थी, उन्होंने राव राजा माधव सिंह जी का श्राद्ध कृत्य था उसके अंदर किसी से बेगार नहीं ली, सबको जो है पैसा देकर काम कराएगा। दूसरी बात उन्होंने क्या की,
वे स्वयं सामान्य साक्षर थे। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं निरक्षर हो सकता हूँ लेकिन मेरी जनता अनपढ़ रहेगी। तो उन्होंने सबसे पहले जो मॉडल स्कूल मिडिल स्कूल था उसको उन्होंने हाई स्कूल के रूप में परिवर्तित किया। 1928 के अंदर कल्याण स्कूल बना। उसी कल्याण स्कूल के अंदर आज जिनके देश के अंदर तुम्हें प्रसिद्ध है दीनदयाल उपाध्याय, वो यहाँ के विद्यार्थी रहे थे और उन्होंने राजपूताना बोर्ड उस समय नहीं था, आगरा बोर्ड से प्रथम श्रेणी प्रथम मेरिट के आधार पर उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उस समय रावरा साहब ने उनको 500 रुपये की किताब दिलाई थी और 20 रुपये मैंने की स्कॉलरशिप दी थी। जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से दीनदयाल जी थे, दीनदयाल जी उपाध्याय, उनके साथ में बड़ा संयोग है। उनका जन्म भी रेलवे स्टेशन पर हुआ, उनका शिक्षा स्थल भी रेलवे स्टेशन रहा है और उनका देहांत भी रेलवे स्टेशन में हुआ। उनका जन्म हुआ था धनक्या में जो जयपुर पास में है। उनकी शिक्षा होती है सीकर में क्योंकि यहाँ के मामा स्टेशन मास्टर होंगे और उनका अंतिम यात्रा हुई थी मुगल सराय के अंदर। तो ये उनका एक बड़ा संयोग है। तो रावराजा कल्याण सिंह जी ने 1935 के अंदर जब वो दीनदयाल जी के विद्यार्थी थे उनका बहुत बड़ी सहायता की थी। उसके बाद रावरा साहब को सब बड़ा संकट क्या आया कि सीकर एक अर्ध स्वतंत्र रियासत था, जयपुर सीकर के बीच में संधि थी कि जब कभी सीकर पर भारी हमला होगा जयपुर से रक्षा करेगा, उसके उसमें 44,000 रुपया सीकर जो है जयपुर को टैक्स देता रहेगा। सीकर का अलग झंडा था, सीकर के अलग जो है स्टंप थे, सीकर के अलग टकसाल थी। लेकिन राव ये महाराजा मान सिंह जो थे उन्होंने रावराजा कल्याण सिंह के अधिकारों में हस्तक्षेप किया और उस समय अंग्रेजों को बोलबाला था क्योंकि अंग्रेज सरकार थी। जयपुर पर राजमंत्री सर बीचम, जयपुर के आईजी थे यंग, सीकर के अंदर सीनियर ऑफिसर कैप्टन डब्ल्यू टी बेब। तो उन्होंने रावराजा के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा था और षड्यंत्र रहा कि कूदन में गोलीकांड करवाया। जबकि रावराजा कल्याण सिंह जी एक बात बताइए, कूदन का जो गोलीकांड हुआ था उसको लोग मानते हैं कि साहब वो जिम्मेदार रावराजा थे और कैप्टन वेब को लोग हीरो की तरह पेश करते हैं? ये बात बिल्कुल तथ्य से दूर है। रावराजा साहब को ब्रिक गिरानी हुई थी इस गोलीकांड से और रावराजा साहब के खिलाफ जाट किसानों को विद्रोही बनाने के लिए ये वहाँ कूदन के अंदर गोलीकांड किया था। अब आप बताइए कि रावराजा कल्याण सिंह जी वहाँ पर गए थे क्या? वहाँ कैप्टन वेब गया था और एक रहीम खां वो था कप्तान था वो गए थे और आईजी यंग का वर्चस्व था। तो रावराजा का उसके अंदर कोई योगदान नहीं था। और लोग तो ये कहते हैं कि उस गोलीकांड का जब समाचार रावराजा को मिला तो उस दिन उन्होंने थाल भी नहीं रहा रोका था, भोजन भी नहीं किया था उन्होंने। इसलिए कूदन गोलीकांड की बात बिल्कुल झूठ है। और यदि रावराजा इतने अत्याचारी होते तो बक्साराम जी मेहरिया गाँव का पूरा टैक्स उनको क्यों देते? उनका कि मैं पूरा टैक्स देने के तैयार हूँ, आप इस फौज को वापस बुलाइएगा। तो ये बात बिल्कुल मिथ्या है। दूसरी बात, आगे कल्याण सिंह जी का प्रारंभ होता है 1938 के अंदर। 1938 में यहाँ पर कैप्टन वेव सीनियर अफसर थे और उस समय क्या था कि राजकुमार हरदयाल सिंह जी मेयो कॉलेज के स्टूडेंट थे तो उनके सगाई हुई थी धुरंधरा के महाराजा के बच्चे से। लेकिन मान सिंह जी ये चाहते थे, उनका ससुराल जोधपुर था, अपने साले की लड़की से हरदयाल सिंह जी का विवाह करना चाह रहे थे और वो एक उनकी इच्छा थी कि मैं राजकुमार हरदयाल सिंह जी को अपने साथ में इंग्लैंड ले जाऊं। रावरा साहब ने का बड़ा विरोध किया, कहा कि राजकुमार साहब की शादी होने के पश्चात आप इसको इंग्लैंड कहीं मिले जाइए। इस बात बड़ा झमेला हुआ। तो सीकर के अंदर क्या था कि राजतंत्र शासन के अंदर एक पंच महाजनान व्यवस्था थी, हर जाति का एक प्रतिनिधि होता और जब राजा के ऊपर कोई संकट वाली बात होती सबको उनके इकट्ठा किया जाता और पूछा जाता है क्या करना है। तो उन्होंने पंच महाजन को एकत्रित किया कि अब हमें क्या करना चाहिए कि राजकुमार की शादी जयपुर के महाराजा जो है जोधपुर करना चाह रहे हैं। तो पंच महाजन ने निर्णय किया कि राजकुमार साहब की पहली शादी धुरंधर होगी और यदि महाराजा चाहते हैं तो दूसरी शादी जोधपुर हो सकती है। तो ये जयपुर के महाराजा ने बहुत बड़ा, ये जो इतिहास के अंदर ये 1938 के अंदर सीकर एजिटेशन के नाम से दर्ज है तो ये घटनाओं के पीछे ये सगाईकार ये कारण थे। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे जब ये फौज आई उनको अरेस्ट करने के लिए 1938 में तो उसमें क्या माहौल था? देखिए ऐसा था कि रावरा साहब कि जो मारे साहब जोधी जी थी जिनका नाम सौरभ कौर था उन्होंने अनशन कर दिया था। तो उनको अनशन के ऊपर सीकर के अंदर बड़ा विरोध की से बात हो गई थी, हजारों लोग यहाँ इकट्ठे हो गए थे। उस समय मानसिंह जी ने उनको जयपुर बुलाया था तो जयपुर नहीं जा सके, कहा मेरी पत्नी अस्वस्थ है। तो आईजी यंग को यहाँ देवपुरा के अंदर माधोदास कोठी के अंदर बुलाया कि रावरा साहब आकर मेरे से मिले। वहाँ उन्होंने रावरा साहब को जबरन ले जाने का प्रयास किया। उस समय राम सिंह जी दोस्त थे लुंगजी बाबूजी के जो उस टाइम जनता की क्या प्रतिक्रिया थी? जनता की प्रतिक्रिया ये थी कि रावराजा के प्रति असीम आस्था थी और सीकर के अंदर 3,000 व्यक्ति लड़ाकू व्यक्ति इकट्ठे हो गए थे, कहा मर जाएंगे लेकिन रावराजा को नहीं जाने देंगे। और परिणाम हुआ सीकर के सातों दरवाजे बंद हो गए और ये सीकर लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर रामगढ़ इनमें हड़ताल कर दी गई और सीकर और जयपुर के बीच के अंदर एक संघर्ष का वातावरण हो गया था। देवगढ़ के किले के ऊपर तोपें तैनात हो गई थी, सीकर के चारों तरफ मशीन गनें लगाई गई थी। उस समय जमनालाल जी बजाज और कस्तूरबा गांधी ने सीकर के अंदर शांति का प्रयास किया था। तो 1938 के अंदर बाद में रावराजा साहब को यहाँ से निर्वासित कर दिया गया। वो दिल्ली के अंदर मेटका फोर्ट के ऊपर सीकर हाउस कोठी थी उसके अंदर रहे। फिर उसके बाद में एक लंबा
लोथियन कमीशन वगैरह आया था और एक बड़ा लंबा संघर्ष चला, उसके बाद में समझौता हुआ और रावड़ा साहब को वापस 1942 के अंदर अपने अधिकार मिले। और ये तो एक इतिहास की बात हो गई। जो अभी पिछली बार जो जयंती मनाई गई, आप भी उसमें एक मुख्य वक्ता थे, तो ये जो जनता जिस तरह से उमड़ पड़ी थी, पहली बार उनके बारे में कार्यक्रम हुआ था उनकी जयंती को लेकर के, तो ये उसका कारण क्या है इसके पीछे? ये सर जनता इतना असीम प्यार क्यों करती है उनको? देखिए रावड़ा साहब के प्रति ये था कि एक मैं कोटेशन कहूँगा कि चित्त की सरलता और मन का कुटिल भाव मानव को मानव नहीं देवताओं के श्रेय बनाता है। तो कल्याण सिंह जी को सीकर के लोग एक मानव नहीं एक देवता के रूप में देखते थे। उनकी सबसे बड़ी सरलता और सादगी थी कि गोपीनाथ राजा के मंदिर में पैदल जाते थे, कल्याण जी के मंदिर में पैदल जाते थे और वो महामंदिर के अंदर जन सुनवाई करते थे। किसी भी व्यक्ति को परेशानी होती उसको तत्काल ठीक कर दिया करते थे। तो ये उनके प्रति असीम श्रद्धा थी। दूसरी बात था कि सीकर के अंदर जितने भी जनकल्याणकारी कार्य थे कार्य हुए उनमें उनकी देन थी। और सीकर के धार्मिक आयोजन चाहे रामलीला हो चाहे तीज हो गणगौर और दशहरा, उनमें पूरा योगदान होता। दूसरा क्या था उनका कि विडोज को पेंशन दिया करते थे पास से, कि कोई भी विडो है जिस पर आमदनी का जरिया नहीं आज तो सरकार देती है और वो रावड़ा साहब के पास देते। तो और इसके साथ में उनके सबसे बड़ी विशेषता थी वो जाति संप्रदाय धर्मों से ऊपर उठे हुए थे। उनके लिए हिंदू और मुसलमान और किसी भी जाट राजपूत इनमें कोई भेदभाव नहीं था। और उनका एक तकिया का लंबा था कि राज के कोई भाई बेटा को नहीं हुए, वो सबके साथ में समान दृष्टिकोण रखते थे। इसलिए उनके प्रति असीम प्यार था। उस प्यार को व्यक्त करने के लिए सीकर जनता ने महावीर जी आपने तो बचपन में उनको प्रत्यक्ष देखा होगा, तो कोई संस्मरण? बिल्कुल मैं संस्मरण सुनाता हूँ। मैंने बचपन में उनको प्रत्यक्ष में देखा है और मैं 1964-65 के अंदर कल्याण कॉलेज का सेक्रेटरी था, देव सिंह जी प्रेसिडेंट थे, रावड़ा साहब आए, फोटो उनके साथ नहीं है। रावड़ा साहब आए, मैं उनके बराबर बैठा हुआ था। देव सिंह जी अंग्रेजी में बोल रहे थे, मैं हिंदी में बोला, तो मैं हिंदी में बोला तो लड़कों ने क्लिपिंग की और देवी सिंह जी अंग्रेजी में बोले तो उटिंग किया। तो रावत साहब ने मुझसे कहा भैया तू बोलो जना तो छोरा ताली बजाई और देवी सिंह बोले ना रोला करे, इन्हें चावे को नहीं गए। इसका मतलब उनको पता था कि लोकतंत्र के अंदर जनता चाहती भी है और विरोध भी करती है। उसके बाद में क्या हुआ था कि रिछपाल सिंह जगन सिंह जी भाटड़ के लड़के जो MLA थे रतारामगढ़ के, उनको अनेक इनाम मिले। तो उन्होंने कहा कि भैया तू एक देसी के नाम दूसरा में देसी नहीं। तो फिर उन्होंने पूछा कि भैया तेरा नाम कहीं है? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम जो है वो रिछपाल सिंह है। कि को है भैया तू? तो कहा मैं जगन सिंह को। तो उन्होंने कहा कि नवोड़ा को जगन सिंह नवोड़ा को बटरना को ना बोलते, पंजी को पोते है तो पंजी को पोतो। यानी उनकी यादाश्त इतनी चीज हर गांव के व्यक्ति को जाते हैं। पंडित सिंह जी भाटड़ स्वाधीनता सेनानी थे और उनका नाम सुन कहा तो पंजी को पोतो है। उसके बाद में क्या हुआ था, कुछ दिनों बाद में ये फोटो इत्यादि है, मैं और देवी सिंह जी लेकर महा मंदिर के बाग में गए। जाते ही कहा भैया मैंने तो कॉलेज में गया इतना दिन होगा, क्या इतना दिन पीछे आया? मैं कहा मैं पढ़ाई करने लगा। तो थे BO पास कर लिए, BA को उन्होंने BU कहा। तो उनका इस साल कर ले चौक बढ़िया और बोलो कहीं चाहो। तो उनका महाराज आप घंटाघर बना रहे हो, घंटाघर से तो उतनी उपयोगिता को नहीं, आप लड़का के लिए हॉस्टल बना दो आप जिस लड़का आराम पर। क्यों नहीं भैया थे कांग्रेस से बात करो, सरकार को कांग्रेस बोलते थे, मैं कॉलेज बना दी हॉस्टल कांग्रेस बना सी, वो घंटाघर तो बन सी, मैं तय कर लियो के लिए। मतलब घंटाघर उन्होंने ये राज जाने के बाद अपने व्यक्तिगत खर्चे पे बनवाया। 1967 के अंदर उन्होंने हमारे सीकर के अंदर एक हवाई पट्टी थी पोलो ग्राउंड के अंदर। तो ये सिंधी और पंजाबी आए थे पाकिस्तान से, तो उनके प्रति दया भावना उन्होंने बढ़ी, कहा इनको जो बहुत ही नॉमिनल रेट के प्लॉट दो। उन्होंने बड़े बड़े प्लॉट जिसके अंदर 100 फीट का रास्ता करके केवल 1,000 रुपये में दिए थे और उन प्लॉटों से जो आमदनी हुई थी कहा ये राज के खजाने में नहीं रखेंगे। उन्होंने जो उसे घंटाघर का निर्माण कराया उसमें से। तो उन्होंने राज जाने के बाद में 1967 घंटाघर का निर्माण कराया था। वन विभाग को भी जो जमीन चारागाह के लिए दी थी वो कौन से सन में दी थी, कितनी दी? ऐसा है कि राव राजा माधव सिंह जी का जो देहांत हुआ था तो उन्होंने 2,000 बीघा जमीन का परित्याग किया था, वो वन विभाग को दी थी, गोचर भूमि के लिए छोड़ी थी और ब्राह्मणों को दान दी थी। इसी प्रकार से उन्होंने उनसे पिताश्री जो रावराजा माधव सिंह जी थे उन्होंने तोदियों को 2,000 बीघा जमीन तोदियों को जो आजकल तोदी नगर बोलते हैं उसमें दी थी और केवल नाम मात्र का 14,000 रुपये उनसे लिया था। तो रावराजा साहब ने भी गाँवों के अंदर जमीन दी, गोचर भूमि छोड़ी और काफ़ी जो है ब्राह्मणों को भी जमीन दान दी और मंदिरों को भी उन्होंने काफ़ी जमीन दी। उन्होंने अनेक मंदिर बनाए, जैसे ये हरदयालपुर गाँव है उसके अंदर श्री कल्याण जी का मंदिर बनाया और काफ़ी जमीन दी। तो आप थे महावीर जी पुरोहित जो सीकर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने रावराजा साहब के परिचय के साथ ही पूरे सीकर का इतिहास भी बताया है और आपने वो कारण गिनाए हैं जिनके पीछे कि भाई रावराजा कल्याण सिंह जी को जनता आज क्यों याद करती है, उन कारणों के ऊपर विस्तृत प्रकाश डाला है। जुड़े रहिए हमारे चैनल ज्ञान दर्पण के साथ, हम फिर आपको इसी तरह की किसी शख्सियत से मिलाएंगे और इस तरह के संस्मरण आपके सामने लाएंगे। धन्यवाद।